हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पैशन एंड फूड पर। आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है चना कबाब। ये बहुत ही टेस्टी और यमी स्नैक्स होता है, तो ये कैसे बनता है चलिए देखते हैं। इसके लिए लिए है मैंने एक कप काले चने। इसको मैंने 2-3 घंटे पानी में भिगो कर एक सीटी कुकर में लगा दी है। 2 बड़े आकार के उबले हुए आलू, जिनको मैंने मैश कर लिया है। बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए। उसके साथ ही मैंने लिया है नमक और यहाँ पे मैंने लिया है ये अदरक लहसुन का पाउडर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चनों को मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। इनको बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, थोड़ा दरबरा ही रखेंगे। और थोड़े चने मैंने यहाँ पे बचा के रख दिए हैं। ये देखिए मैंने इनको पीस लिया है। ये देखिए मैंने इनको पूरी तरीके से महीन नहीं किया है, ये थोड़ा सा दरदरा रखा हुआ है। इसको मैं एक बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी मैश किया हुआ आलू। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्च, धनिया और प्याज। प्याज भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी नमक। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। और अदरक लहसुन का पाउडर। गाइस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा डालने से। अब इन सबको हम मैश कर लेंगे अच्छे से, जब तक कि सब आपस में मिक्स ना हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी जो मैंने चने बचा के रखे हुए थे थोड़े से, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा, एक क्रंच सा आएगा जब हम कबाब खाएंगे, तो उसमें जो एक बाइट आएगी चने की, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने ये थोड़े से चने इसके बचा के रखे थे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। चलिए अब बनाते हैं इनके कबाब। तो हाथ से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम और अच्छे से राउंड करते हुए इसको प्रेशर देके इसको राउंड शेप देंगे। इस तरीके से देखिए, साइड से भी हम इसको राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अपने सारे कबाब तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कबाब हमारे तैयार होते जा रहे हैं। तैयार है हमारे सारे कबाब बनके। अब इनको हमें करना है शैलो फ्राई। तो चलिए, यहाँ मैंने पैन गैस पे चढ़ा दिया है। पैन में मैं डाल रही हूँ ऑयल। करीब 2 बड़े चम्मच मैं इसमें ऑयल डालूंगी और ऑयल को पूरा पैन में फैला दूंगी। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है, मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर और कबाब को हम कॉर्नफ्लोर में इस तरीके से रोल कर लेंगे अच्छे से। और जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है वो हम इसका निकाल देंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब कॉर्नफ्लोर में तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे कबाब तैयार हैं और ऑयल भी यहाँ पे गर्म हो गया है। तो चलिए इनको करते हैं शैलो फ्राई। एक बार में हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 या 3 ही रखेंगे, जिससे इनको अच्छे से स्पेस मिले। इनको क्रिस्पी होने तक हमें शैलो फ्राई करना है दोनों तरफ से पलटते हुए। ये देखिए ये मैंने पलट दिया है, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इनमें। दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही सेक लेंगे इनको। ये देखिए गाइस, कबाब बनके हमारे तैयार हैं। अब मैं इनको एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम एक स्पैचुला की सहायता से इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे कबाब तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार हैं हमारे कबाब बनके। ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही अच्छे हैं। इनको आप ज़रूर बनाइएगा। और इसको मैंने हरी चटनी और प्याज और थोड़े से चने के साथ सर्व किया है। तो कैसी लगी गाइस आपको ये रेसिपी,
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।